स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। टीम विराट ने इस बार ऑस्ट्रेलिया जमीन पर वो कारनामा कर दिखाया जो ना तो पूर्व में सौरव गांगुली की टीम कर सकी थी और ना ही कोई और। टीम विराट कोहली की इस ऐतिहासिक जीत ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होने से पहले इस भारतीय टीम पर बहुत ही ज्यादा दबाव था। पर्थ टेस्ट गंवाने के बाद आलोचना चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन सीरीज समाप्त होते होते टीम इंडिया ने आखिर अपना झंडा गाड़ ही दिया। अगर भारत जीता तो उसके पीछे ये पांच खिलाड़ी रहे। तो चलिए बात करते हैं उन पांच खिलाड़ियों की जिन्होंने सीरीज का रुख ही बदल दिया। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो निश्चित तौर पर चेतेश्वर पुजारा भारत की सीरीज जीत का सबसे बड़ा इक्का रहे हैं। एडिलेड में जड़े शतक से लेकर सिडनी तक पहुंचते पहुंचते पुजारा ने कई यादगार पारियां खेलते हुए वह ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ी दीवार बन गए। एक पर्थ में ही पुजारा के बल्ले से शतक नहीं निकला तो वहीं भारत को हार का सामना करना पड़ा। कोई भी कंगारू गेंदबाज चेतेश्वर पुजारा के डिफेंस में दरार पैदा नहीं कर सका। पुजारा ने 4 टेस्ट मैचों में 74.42 की औसत से 521 रन बनाए। इनमें से 3 शतक और 1 अर्धशतक भी शामिल था। इसी दौरान हम बात करते हैं गेंदबाजी की। क्रिकेट प्रेमियों में इस बात को लेकर बहस हो सकती है कि सीरीज के हीरो कौन रहे, पुजारा या जसप्रीत बुमराह। लंबे समय के बाद भारत को एक ऐसा गेंदबाज मिला जिसने कंगारुओं को दहला कर रख दिया। बुमराह ने 4 टेस्ट में 157.1 ओवर में सबसे ज्यादा 21 विकेट चटकाए। बुमराह के अलावा मौका पड़ने पर कप्तान विराट कोहली को अगर किसी दूसरे गेंदबाज ने विकेट लेकर दिए तो वो थे मोहम्मद शमी। जब जब विराट ने मोहम्मद शमी को याद किया तो तब तब मोहम्मद शमी ने विराट को निराश नहीं किया। शमी दोनों टीमों में तीसरे सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। शमी ने 4 टेस्ट मैचों में 136.4 ओवरों में 419 रन देकर 16 विकेट चटकाए। अगर देखा जाए तो विराट और ऋषभ पंत ने भी शानदार प्रदर्शन किया जिन्होंने कंगारुओं की वाट लगाने में अहम भूमिका निभाई। भले ही विराट इस बार पुजारा के प्रदर्शन में छिप गए, लेकिन कोहली 4 टेस्ट मैचों में 40.28 की औसत से 282 रन बनाकर दोनों टीमों में तीसरे नंबर के बल्लेबाज रहे। वहीं सीरीज खत्म होते होते पंत भी भारत के लिए इक्का बन गए। शुरुआती 6 पारियों में 50 का आंकड़ा भी ना छू सके ऋषभ पंत ने सिडनी में 7वीं पारी में नाबाद 158 रन की पारी खेलकर सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ऋषभ ने 4 टेस्ट की 7 पारियों में 58.33 के औसत से 1 शतक के साथ 350 रन बनाए। ये भारत के वो पांच खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर मात देने में अहम भूमिका निभाई।